बाकी जो मैं पाकिस्तान से जो शॉपिंग करके लाई हूँ, ईद कलेक्शन अपनी जो लाई हूँ, वो सारी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग बिना स्किप किए देखिएगा और लाइक तो बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको चैलेंज दिया है तो लाइक। अच्छा जी, मैंने आज जो है ना आप लोगों को देना है चैलेंज। अच्छा जी, चैलेंज ये है कि मेरी वीडियो के लाइक्स कितने होते हैं आदिल साहब? आपके होते हैं एवरेज 250 से 300। अच्छा जी, तो आज का चैलेंज मैं क्या दूं, कितने का दूं? आप टारगेट दें 500। 500 होने चाहिए मेरे। अच्छा जी, लाइक मेरे होने चाहिए। नहीं हो पाएंगे। नहीं नहीं होने चाहिए। मेरी सारी सोनी सोनी YouTube फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, मेरी आमीन के साथ जो है वो बच्चों की आमीन शामिल नहीं हो सकी, वो इसलिए कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दिखाया है कि अभी मैं कल ही पहुँची हूँ और खैर खैरियत के साथ हम पहुँच गए और जी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसके बाद जी मैं चली गई थी अम्मी के घर अफ्तार पे। सीधा हमारे घर जो है ना उस वक़्त जो है ना ग्रोसरी वगैरह का कुछ नहीं पड़ा था, तो अफ्तार जो है ना अम्मी के घर थी तो बच्चे वहीं रुक गए। तो बच्चों को मैंने कहा चले जी रिलैक्स करें, बच्चे खेलें। अम्मी ने कहा, मुझे भी काफ़ी याद आ रही थी बच्चों की, तो इस वजह से बच्चे जो है ना अम्मी के घर रुक गए और मैं आ गई घर अदील साहब की वजह से, क्योंकि अदील साहब जो है ना खाना बाहर का नहीं खा सकते जैसे कि आप लोगों को पता है। तो बस अभी जो है ना घर वैसे का वैसे जो है ना फैला हुआ है, ये देखिए आप, हाल बहुत बुरा हुआ हुआ है घर का। घर का कोई काम अभी मैंने किया नहीं है, बस ये है कि सूटकेस थोड़े से खोले हैं, जो गंदे कपड़े हैं जो मैले यूज़ हुए हुए कपड़े हैं वो सारे एक साइड पे किए हैं और जी और अफ्तारी भी साथ साथ बन रही है। और मेरी तरफ़ से आप सबको जो है ना 26 रोज़ा सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला बस ये आखिरी जो अशरा है हमारा खैर खैरियत के साथ गुजरे, लेकिन दुख भी बहुत है कि जो है ना रमज़ान बहुत जल्दी गया है, पता ही नहीं चला रमज़ान का। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में हमें रोज़ों का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, यहाँ आके रोज़ों का पता चल रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। पाकिस्तान का मौसम जो इस्लामाबाद का मौसम था वहाँ बिल्कुल पता नहीं चल रहा था रोज़ों का। मौसम बहुत अच्छा था, मगरिब के बाद ही फ़ौरन जो है ना बारिश शुरू हो जाती थी, ठंडी हवाएँ शुरू हो जाती थी। यहाँ आके जो हमें गर्मी फील हो रही है वो मुझे और अदील को ही पता है बस। अच्छा जी मैंने आज जो है ना आप लोगों को देना है चैलेंज। अच्छा जी, चैलेंज ये है कि मेरी वीडियो के लाइक्स कितने होते हैं आदिल साहब? आपके होते हैं एवरेज 250 से 300। अच्छा जी, तो आज का चैलेंज मैं क्या दूं, कितने का दूं? आप टारगेट दें 500। 500 होने चाहिए मेरे। अच्छा जी, लाइक मेरे होने चाहिए। नहीं हो पाएंगे। नहीं नहीं होने चाहिए। पब्लिक जी अगर जिसको पसंद करती है लाइक करती है तो लाइक प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे खुशी होगी अगर मेरा चैलेंज पूरा हुआ। कि अदील साहब कह रहे हैं कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा है ना। एक बंदे को हराने में हम सब आगे होंगे, ठीक है ना? अवाम, ठीक है। और फिर वो अम्मी के घर से आके मैंने की ग्रोसरी कुछ थोड़ी बहुत, फिर घर पे अफ्तार की अभी रेडी हो रही है। अच्छा जी, ये ड्रेस जो है ना पाकिस्तान का ही है, लैम लाइट का है। आते ही मैंने पाकिस्तान की ओपनिंग शुरू कर दी जी कपड़ों में। जी ये रमज़ान है तो क्यों ना न्यू सूट पहने जाएँ और सवाब कमाया जाए। और जी ये देखिए, ये लैम लाइट का ड्रेस है पूरा जी, ये मुझे मिला था 2 पीस के साथ, यानी कि पजामा और शर्ट मिली थी, दुपट्टा मैंने इसके साथ मैच किया था ब्लैक कलर का। और इसकी जो प्राइस है वो थी 3900 समथिंग थी, ऐसी ही थी। और 700 रुपये का मैंने लिया था दुपट्टा लैम लाइट का ही, इसके साथ ब्लैक कलर का मैच किया था। अभी मुझे मिल नहीं रहा था सामान के अंदर से, तो मैंने अपना स्काफ पहन लिया। अच्छा जी, अफ्तारी में क्या क्या रेडी कर रही हूँ, अफ्तारी में आप लोगों को बताती हूँ अफ्तारी में क्या क्या रेडी कर रही हूँ मैं। बच्चे आज भी अम्मी के घर हैं और अफ्तार वहीं करेंगे, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे मेरी जो कढ़ाई है पाकिस्तान की जो मैंने वहाँ पे भी यूज़ की थी, यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई।
और अफ्तारी में मेरी जो है ना फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है, वो फ्रिज में जा चुकी है। और जी बाकी जो मैं पाकिस्तान से जो शॉपिंग करके लाई हूँ, ईद कलेक्शन अपनी जो लाई हूँ, वो सारी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। क्योंकि व्लॉग बिना स्किप किए देखिएगा और लाइक तो बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको चैलेंज दिया है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और जी जो है और ईद कलेक्शन मेरी कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को अफ्तारी के बाद जो है ना अपनी ईद कलेक्शन दिखाऊंगी। अच्छा जी ये देखिए अफ्तारी हो चुकी है रेडी अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़ा भी अफ्तार हो चुका है, तो बस अभी हम बैठ के खाना खाने लगे हैं। अच्छा जी अब देखते हैं नाजिया के रिएक्शन। रिएक्शन तो बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशी है, सारी थकावट दूर हो गई है ये सब देख के, क्योंकि वहाँ शॉपिंग मैंने भी इतनी ध्यान से नहीं देखी थी, शॉपिंग अदील साहब ने भी नहीं देखी थी कि मेरी शॉपिंग कितनी हुई है। अदील साहब खुश हो गए कि अब मुझे पता चल रहा है कि वाकई शॉपिंग हुई है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये है मेरी ईद कलेक्शन, यही सारी शॉपिंग है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और ये मैंने जितने दिल से सजाई है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को दिख गया होगा कि मैंने कितने प्यार से आप लोगों को दिखाने के लिए इनको सजाया है कि मेरे व्यूवर्स को एक एक चीज दिख जाए, कोई शिकायत ना रहे कि आपने अपनी शॉपिंग पूरी नहीं दिखाई। अच्छा जी तो लग रहा है ये नाजिया का जहेज है। यस जहेज ही है मेरा और मेरी बेटियों का। अच्छा बेटियों के कपड़े वहाँ पे हैं। हाँ जी वो किड्स कलेक्शन है। अच्छा जी जो कपड़े मैंने कुछ में से रेडीमेड लिए हैं और कुछ कपड़े मैंने सिलवाए हैं, तो वो जो सिलवाए हैं वो भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी ये तो रेडीमेड है सारे, ये वाला जो कुर्ता है ये रेडीमेड है, और इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए ये प्राइस है इसकी 2450। हाँ और ये लैम लाइट का है 2 पीस, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। और ये दुपट्टा मैंने 2000 का लिया था, ये इस वजह से लिया कि किसी भी सूट के साथ चल जाएगा। और ये 2 पीस मैंने खाड़ी के लिए थे, खाड़ी के जो ये हैं ये 2 पीस हैं, और ये मैंने सिलवाए हैं, सिलवाने यानी कि ये 2 पीस जो मुझे मिले हैं, कुछ जो है कुछ की प्राइस 1000 थी, कुछ की प्राइस 700 थी, कुछ की प्राइस 2000 थी, इस तरह मैंने ये सारे खाड़ी के उठाए हैं और मैंने इनकी सिलाइयाँ, टोटल जो है ना 8 मेरे सूट थे खाड़ी के 2 पीस 2 पीस, और मैंने जो इसकी सिलाई दी है वो 9800 मैंने सिलाई दी है 8 सूटों की, राइट। ये मेरा जो है इथेनिक का है, ये तो नाजे का फेवरेट है 14900। और इसका जो शरारा है वो ये है, ये देखिए इसके शरारे पे भी पूरा वर्क है, और इसकी जो पूरी डमी पे पिक थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जब पहनूंगी तब तो आप लोगों को दिख ही जाएगा। ये जरी का जैसे काम होता है पुराने ज़माने में हमारे अम्मियों के सूटों पे, मुझे वो काम बड़ा पसंद है, जहाँ सूट दिख जाए मैं उठा लेती हूँ। और ये जो है ना इसके साथ दुपट्टा नहीं था, इसके साथ दुपट्टा मैंने मैच किया गीगा मॉल से, मैंने ये कितने का लिया था, ये नहीं याद मुझे, ये 2000 का था, 2000 रुपए कहाँ से, 2000 का था ये दुपट्टा, मैंने इसके साथ खुद ही मैच किए हैं। अच्छा जी ये तो सूट मुझे गिफ्ट मिला है मेरी फ्रेंड की तरफ से, ये बिन साइज का है, ये मुझे उसने गिफ्ट किया है। और जी ये जेड रोड का पूरा सूट है, इसकी प्राइस ये है 7990। आप लोगों को दिखती ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि इन दिनों में क्या प्राइस भी नहीं है, इसकी प्राइस शायद मैंने निकाली थी, मैं 4000 थी इसकी। एक्चुअली प्राइस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि इन दिनों में रेट क्या चल रहे थे, ईद की शॉपिंग जब मैंने की कोई डिस्काउंट नहीं था। ये जे डॉट का है,
ये अनारकली फ्रॉक है, जब मैं पहनूंगी ये आप लोगों को जरूर मैं अपना लुक पूरा दिखाऊंगी। ये अनारकली फ्रॉक है। अच्छा जी, वो 11,000 का था, ये भी इस ब्रांड का है, ये 3,000, ये कुर्ता है 850। मैंने कुछ शलवारें भी ली थी वाइट कलर में के कुर्तों के साथ चल जाएंगे, 2,000 की बीस्ट्री का है वो, जे डॉट का। यस, और ये भी, ये वाला भी, ये शेफून का सूट है और इसकी जो प्राइस है वो ये है 6,850। और इसके साथ जो यानी दुपट्टा मिला था और इसके बाद वो देखिए, ये कौन सी ब्रांड का था नाजिया? ये इस ब्रांड का था। अच्छा, बीस्ट्री का। और इसका जो बाजू का डिज़ाइन है ये देखिए, बाजू का डिज़ाइन कितना खूबसूरत है और कपड़ा इतना प्यारा है। और इसकी जो पजामा है इसकी अलग प्राइस है, इसकी है 2,850। और दुपट्टा इसके साथ ही मिला है। अच्छा जी, ये भी उसी का है, ये भी प्राइस इसकी देख लीजिए आप, 3,450। अच्छा, ये बीस्ट्री का है ना, ये खाडी का है, ये सिलवाया है मैंने वहीं से। अच्छा जी, बहुत अच्छे कपड़े सिले हैं। और ये जो है, ये वाले फैंसी सूट मैंने लिए थे शेफून के मोती बाजार से, और ये एक मुझे सूट पड़ा है 4,000 का, पूरा सूट पड़ा है, और इसकी जो सिलाई मैंने दी है वो 2,200 रुपए फैंसी है ना। ये मैंने बहरिया से सिलवाया तो टेलर ले नहीं रहे थे, सिलवाने वाले सूट बहुत मुश्किल से मुझे टेलर मिले, मैंने बांट दिए थे इनके दोस्त की वाइफ ने, ये मुझे सूट जो खाड़ी के हैं वो सिलवा के दिए, दर्जी ले नहीं रहे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम जो है ना हम सीखे थे, तो होता है ना कि किसी के उससे फेवर से जो है ना सिल जाते हैं, और जो ये बहरिया वाले हैं उन्होंने अपनी डिमांड पे सिलाई ली थी हमसे। सही, क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं था ना, और वो भी सिलवाए हैं। अच्छा जी, इस तरफ यहाँ पे भी आ जाए। और ये पतीलों का जो सेट है, नहीं आप पहले सूट दिखा देना पूरा। अच्छा, क्योंकि हम 10 मिनट से ऊपर व्लॉग नहीं बनाएंगे। ये भी खाड़ी उसका है, जे डॉट का है। ठीक, हाँ ठीक है। ये भी जे डॉट का कुर्ता है, ये भी 2,000 का ही था, ये भी जे डॉट का कुर्ता है, मेरा फेवरेट ब्रांड। और ये भी जे डॉट है कुर्ते इसलिए ले लिए कि घर में इजीली पहने जाते हैं। ये भी लैम लाइट का है। इस बार लैम लाइट की चीज ज्यादा आई है, वो जे डॉट की ये सिलवाया है। अच्छा जी, ये लैम लाइट का सूट है, ये बहुत प्यारा हसीन, ये भी लैम लाइट के 2 पीस मिले थे मुझे, ये भी लैम लाइट का सूट था, बहुत प्यारा था, इन्होंने शायद वीडियो में देखा भी होगा, गीगा मॉल के वीडियो में मैंने दिखाया था। अच्छा, ये लैसे मैंने खुद लगवाई हैं, ये लैसे सारे दुपट्टों पे, वो किरण ब्लैक सूट पे जो ब्लैक दुपट्टे पे किरण लगी हुई है वो भी मैंने खुद लगवाई है। अच्छा जी, ये सारा यानी कि मेरा जो है ना जहेज हो गया, और जहेज में बर्तन भी शामिल होते हैं दुल्हन के। ये जो है ना बर्तन मेन थे मेरे पाकिस्तान से, जो मकसद था मेरा लाने का मेन था। और जी, ये इस ब्रांड के हैं, और ये पूरा सेट मुझे मिला है, 13,000 का, 13,000 रुपए का। और ये कढ़ाई की 1900 रुपए है ना, कढ़ाई 1900 रुपए की थी। और ये तवा कितने का था? 1500 रुपए का, 1500 रुपए का तवा, 1500 रुपए का था। अच्छा जी, आप लोग कह रहे होंगे बेडशीट 40% पे सेल पे मिली, ये जो उसमें थी ना गुल अहमद में, और रजाई के कवर जो है ना, ये सब जो है 40% सेल में मिली थी गुल अहमद में लगी हुई। अच्छा जी, और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अदील साहब की शॉपिंग क्या थी। अदील साहब, असल में अदील साहब का मसला ये है कि अदील एक ही ब्रांड पसंद है, उसके अलावा अदील साहब के कपड़े जो है अमेरिकन ईगल के, तो वो तो पैंट शर्ट थी ना, वहाँ नहीं था। तो अदील साहब ने शॉपिंग यानी मेरे कहने पे लड़ाई पे की है, वो भी सिर्फ 3 कुर्ते लिए हैं अदील साहब ने, ये जे डॉट के ब्लैक कुर्ता लिया है, और एक ये लिया है कुर्ता, और एक वाइट शलवार, और एक पूरा ब्लैक सूट लिया है इन्होंने, वो भी मेरे कहने पे, इतना कहने पे कि मैं, मेरी इतनी शॉपिंग आपने करा दी, आप क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनको चाहिए थी उसी ब्रांड की शॉपिंग, और वहाँ वो किस्मत से थी नहीं। अच्छा जी, ब्रांड। और ये जो है ना आशा इनायत की, मैंने वहाँ मोती बाजार से कैप्स ली थी, और बाकी आशा इनायत के कपड़े इधर हैं, कुर्ते जो मोती बाजार से लिए थे, बाकी ये जो ब्रांड्स वाले हैं ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रख दिए। ये मोहम्मद साहब के, ये मोहम्मद साहब का ब्लैक सूट है पूरा, ये मोहम्मद के, ये मोहम्मद के, ये भी मोहम्मद का है, वो भी मोहम्मद साहब का है, मोहम्मद का ईद का, माशाल्लाह। और जी, ये बच्चों के हैं सब। अच्छा, बच्चियों के ये लैम लाइट के हैं, बच्चों के कितने के मिले हैं? 3,890। और ये भी, ये कुर्ता था खाली, और ये जे डॉट का था, 3,000 के हैं सब।
यानी एवरेज वाइज 4000 रुपीज़। ये वाले जो है ना हमने तीनों के उठाए थे, आदिल साहब को बड़े पसंद आए थे, तीनों के उठाए थे हमने, और ये तीनों की प्राइस जो है ना एक ही है। ये इस तरह का स्टाइल है, देखिए बच्चों का, ठीक है जी। और ये शलवारों के अलग प्राइस हैं, शलवारों के अलग हैं। और ये पजामे जो है ना मोती बाजार से लिए थे, बहुत प्यारे हैं ये, 300-300 रुपए के मैंने बच्चों के मोती बाजार से उठाए थे। और ये जो सूट मिले थे मुझे मोती बाजार से 1500 रुपए। और ये जैनब का सूट है। अच्छा जी, और बस बच्चों के और कुर्ते हैं, जो काफी सारे कुर्ते हैं, मैंने वो सूट के से पूरे नहीं निकाले। और ये जो है ना ये मिला था मुझे 650 रुपए का, और ये मुझे 350 रुपए का, ये भी 650 रुपए का लिया था मोती बाजार से। और ये कौन सा ब्रांड था ये मुझे याद नहीं, ये मॉल के से लिए थे, मुझे याद नहीं ब्रांड कौन सा था। ये ना ये आशा को शौक था कि मुझे फैंसी जो है ना सूटों के साथ, मम्मा मुझे फैंसी ईद के लिए जो है ना हील वाला दिलाए, तो ये हील वाला दिला दिया था उनको। मिली ब्रांड मिली शूज। तो ये जो है ना मोहम्मद साहब का है। तो बस अच्छा जी ये है सारी मेरी ईद कलेक्शन। कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोगों ने बताना है कि मेरी कलेक्शन कैसी लगी। और ये भी आप लोगों ने जो है ना नहीं भूलना है कि मुझे जो है ना इस व्लॉग में 500 लाइक चाहिए। जो 500 बहुत कम है कि अदील साहब इतनी सारी शॉपिंग दिखाने, 500 कम है, 700 लाइक्स टारगेट है, देने हैं मुझे 700 टारगेट लाइक्स। यानी आप मुझे वैसे भी बहुत सारी दुआएं देते हो कमेंट सेक्शन में, माशाल्लाह बहुत सारे आप लोग जो है ना मुझे हौसला अफजाई देते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। तो आपने लाइक जो है ना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके मुझे लाइक देने हैं, जमा करके मेरा वो गिफ्ट होगा ईद का। तो आप लोगों की तरफ से जब दुआएं देते हैं तो लाइक्स देना तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है, तो लाजमी, और सब्सक्राइब भी दीजिएगा। और जी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो आप शेयर करते हो, दुआओं में मुझे याद रखते हो। तो अब मैं ये जो है व्लॉग अपनी ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी दुआओं के साथ अब ख़त्म करती हूँ यहीं पे, क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये क्या हो रहा है भाई? भाई ये कितने का है? भाई ये कितने का है? और सेट करो, ये सब सेट करो। शाबाश शाबाश मेरा बच्चा।